भाई शेर पागल हो गए कदम से। DGX मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सबको, जो भी जिस टाइम भी अपलोड हुआ है व्लॉग उस टाइम की विशेस हैं आप लोगों को। मेरी चप्पल कहाँ गई भाई, कैसे हो आप सब? मैं बहुत ही बढ़िया, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट वंश गई, द वन एंड ओनली, द ओजी व्लॉगर, द वन एंड ओनली व्लॉगर जो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़े जा रहे हैं बिना किसी रिकॉग्नाइजेशन के, द वन एंड ओनली व्लॉगर, द वन एंड ओनली यंगेस्ट व्लॉगर टू कम्प्लीट मेक हिस्ट्री। भाई 325 और मेरी नींद अभी तक हट ही नहीं रही है, इसलिए मैं फंबल थोड़ा सा मारूंगा अभी फॉर अ व्हाइल। पीछे का वेदर आप देख लो भाई, कितना हाल बेहाल हो रखा है इस समय, धुंध भी निकल रही है अलग ही मुंह से, गलत लेवल भाई, गलत लेवल है ये तो। बट हाँ ठंड है भाई, बाहर आया हूँ मैं तो अंदर सैंडो में था और मैं तो सोफे पे सोया, वैसे तो मैं तो ठंड में पिस गया भाई रात में। रीजन बीइंग सोफे पे सोने का एक ही है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था दादी माँ की स्नोरिंग मेरे को ना ट्रबल करती है, और ट्रबल भी कह रहा वो ओल्ड है तो वो अंडरस्टैंडेबल है, बट ना वो ये मेरे को मतलब नींद नहीं आ पाती, और उस चक्कर में ना मैं लेट सो रहा हूँ, और मैं जब लेट सो रहा हूँ तो सुबह लेट उठ रहा हूँ, अगर लेट उठ रहा हूँ तो घर वाले सुना रहे हैं। सो द बेटर ऑप्शन आई लुक्ड फॉर वॉज स्लीपिंग on the sofa, but it couldn't make any difference. Although I slept around 10, still I woke up around 2:30 or 3. Then I tried to sleep again. ठीक है, मैं थोड़ी देर फोन चलाया मैंने 4 बजे तक. Then I tried to sleep again, but I couldn't. Then I slept around 7 in the morning. In this while, I couldn't edit the vlog as I was just scrolling through the reels. When I slept, I woke up around 2. That's how all it went. It shouldn't have been like that, but it went like that, so I can't help it. It is what it is now. Well, also, I'm back to brand new vlog. Hope you all are good and happy. Good morning to you. अभी कुछ नहीं है, एमी और दीदी गए हुए हैं, एमी को ट्यूशन छोड़ने नीचे, पता नहीं मेरे को नहीं पता, बट मेरा तो कुछ सीन नहीं है, मैं भी बस रेडी होऊंगा, मेरे को तो ये सैंडो ही चेंज करना, बाकी तो रेडी रूटी रहता हूँ मैं हमेशा, मेरे को सैंडो चेंज करना है, दिन देखते हैं शिव के साथ कुछ प्लान है तो उनको सक्सेसफुल करता हूँ, उनको साथ कंटिन्यू करता हूँ उन प्लान के साथ, लेट्स स्टिक टू दोस प्लान, चलते हैं कहीं बाहर जाते हैं, घूम फिर के आते हैं, घर पे क्या ही बैठे रहेंगे, हॉल को मैं उसका व्लॉग तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि भाई वो कैमरा शाय है, वो आता ही नहीं कैमरा के सामने, और मैं अपना व्लॉग ही कर सकता हूँ जो कर सकता हूँ, बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स अंडरस्टैंडेबल, इतने टाइम से कर भी रहा हूँ ना तो वैसे भी कर लेंगे। मेरे ना दिमाग में कभी कभी ये थॉट आता है कि यार मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही, इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना सब मतलब सारा अपना 100% देने के बाद भी मैं कहाँ लैग डाउन कर रहा हूँ, कहाँ वो चीज रह रही है कि जिसकी वजह से मेरे को सो एक फैक्टर मिस आउट हो रहा है, और उस चक्कर में क्या बोलते हैं, मेरे को लग रहा है मैं अपना 100% दे रहा हूँ बट एक्चुअल में वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ, एंड एट द एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिसीविंग ग्रोथ, और दैट्स व्हाई आई एम लूजिंग सम फॉलोअर्स एंड ऑल। मैं रोज अपने आप से सवाल करता हूँ, और रोज मेरे को यही लगता है यार ऑनेस्टली मैं तो सही कर रहा हूँ अपने हिसाब से, मैं अपनी साइड से पूरा एफर्ट कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ, जितना होना चाहिए, जितना एफर्ट होना चाहिए मैं उतना ही एफर्ट मार रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, बट इट्स जस्ट राइट नाउ इज गोइंग रॉन्ग, द थिंग्स आर नॉट इन योर फेवर एज फार इट शुड बी, सो यू शुड जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड यही बोल बोल के मैं अपने आप को दिलासा दे रहा हूँ कि हाँ लेट्स ट्रस्ट द प्रोसेस, आज नहीं तो कल सही हो जाएगा, कोई बात नहीं यार, अभी नहीं हुई है ग्रोथ, कल हो जाएगी, कल नहीं होगी तो परसों हो जाएगी, लेकिन होगी जरूर, ईमानदारी से बस मेहनत करते रहो। और मेरे को बताऊं स्टार्टिंग में क्या लगता था, मैं आपको व्लॉगिंग का बताता हूँ, कंटेंट क्रिएशन का तो ठीक है ये ओवरऑल चलता रहता है कंटेंट क्रिएशन में तो इट्स ओके, मैं व्लॉगिंग का बताता हूँ, व्लॉगिंग में मेरे को स्टार्टिंग में लगता था यार अभी 10 व्लॉग्स में तो होगी नहीं यार इतनी जल्दी, लगता 100 व्लॉग्स में हो जाएगी, ऐसा मेरा माइंडसेट था, जब 100 व्लॉग्स है तब भी कुछ ग्रोथ रिसीव नहीं हुई तो फिर मैंने अपने आपको झूठी दिलासा दी, अरे कोई बात नहीं यार इसमें नहीं हुई 200 व्लॉग्स में हो जाएगी, ऐसी कर करके मैं 100 200 100 200 कर व्लॉग्स बढ़ाता रहा, कभी 300 में हो जाएगी, 400 में हो जाएगी, 500 में हो जाएगी, 600 में हो जाएगी, 700 में हो जाएगी, 800 में हो जाएगी, 900 में हो जाएगी, नहीं हुई, अब मैं अपने आपको वापसी झूठी दिलासा दे रहा हूँ 1000 में हो जाएगी, क्योंकि कुछ नहीं पता यार 1000 में हो भी जाए उठ भी जाए, और टच वुड मैं तो यही बोलूंगा भाई टच वुड कि उठे भाई उठे, क्योंकि इतनी मेहनत करी आप लोगों ने भी देखा भाई 900 प्लस दिन डेली व्लॉगिंग करना किसी के बस की बात नहीं होती है ये, ठीक है, और साथ में अपनी पढ़ाई भी लेते हुए चलना, ठीक है, अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी लेते हुए चलना, सारी चीजें एट दिस, अपने करियर के डिसीजन भी मतलब पैरेलल चलाते रहना, सब पैरेलली करते रहना, एंड एट द एंड मतलब ये सब भी करना, इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग अचीवमेंट, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट भाई, मेरी ना ग्रोथ हो लेकिन मेरे लिए ना एट द एंड ये एक अचीवमेंट है कि मैंने एक रिकॉर्ड एक बार एक सेट कर दिया है कि कोई वो रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकता है, मेरी नजरों में तो कोई नहीं तोड़ सकता, वी हैव क्रिएटेड हिस्ट्री, वी हैव क्रिएटेड हिस्ट्री, ठीक है, लेकिन अब वो हिस्ट्री का बताओ एक जगह मैं इसलिए थोड़ा वो हो रहा हूँ गुस्सा कि वो हिस्ट्री जो मैंने बना दी है, मैंने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है राइट, बट उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली, अब उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली तो जो रिकॉर्ड एक्चुअल में जो मैंने सेट किया है ना कल को कोई और सेट करेगा और अगर उसकी ग्रोथ हो जाएगी ना तो उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी, दैट ही इज द बिगेस्ट बिगेस्ट पर्सन इन द पिक्चर, बट एक्चुअल में वो मैंने करा है, ठीक है, बिकॉज आई नो आई एम द ओनली व्लॉगर इन इंडिया
और इन द वर्ल्ड, इंडिया का तो मैं श्योर हूँ और इन द वर्ल्ड का मेरे को नहीं होता, लेकिन इन इंडिया टू कंप्लीट 900 प्लस डेली व्लॉग्स, ठीक है। लेकिन कल को फॉर एग्जांपल कोई बड़ा यूट्यूबर ये टारगेट अकम्प्लिश कर लेता है तो क्रेडिट्स उसको दिए जाएंगे, ना कि मेरे को। आई एम जस्ट फाइटिंग फॉर द क्रेडिट्स आई डिजर्व, द रिकॉग्नाइजेशन आई डिजर्व। आई डोंट डिजर्व ग्रोथ, मत दो मेरे को, बस एक रिकॉग्नाइजेशन मांग रहा हूँ मैं, ठीक है। टीम यूट्यूब और टीम यूट्यूब इंडिया, मैं आपसे एक रिकॉग्नाइजेशन मांग रहा हूँ कि बस मेरे को एक रिकॉग्नाइजेशन ये दे दो कि आई एम द ओनली यंगेस्ट व्लॉगर हु हैज कंप्लीटेड 900 डेली व्लॉग्स, कि कल को कोई और वो रिकॉर्ड ना क्लेम करे अपने उस पे, ठीक है। एक्चुअल जिसका रिकॉर्ड है उसका मेंटेन रहने दो, बस मैं अपनी रिकॉग्नाइजेशन मांग रहा हूँ, मैं अपने हिस्से का मांग रहा हूँ और कुछ नहीं है भाई। मेरे को आप ग्रोथ मत दो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, बस मेरे को मेरी रिकॉग्नाइजेशन दे दो, क्योंकि ये भी करने में ना मेहनत लगी है, बिना ग्रोथ के रिकॉग्नाइजेशन के लिए भी करने में ना मेहनत लगी है, और ईमानदारी से पैशन के लिए करा है अपने, ना कि फेम वेम के लिए। फेम वेम के लिए करना होता ना बहुत पहले छोड़ देता मैं, अगर फेम के लिए करना होता है, फेम गेम नहीं है मेरा। करा है तो ईमानदारी से अपने लिए करा, अपनी खुशी के लिए करा है, ओके। सो प्लीज इफ एनीबडी इज वॉचिंग दिस फ्रॉम यूट्यूब इंडिया और यूट्यूब, प्लीज फॉर गॉड सेक मेरे को दे दो यार रिकॉग्नाइजेशन, एक छोटी सी चीज। आपको रिकॉग्नाइजेशन देने में कुछ नहीं जाएगा, आपको सिर्फ रिकॉग्नाइजेशन देने छोटे से क्रिएटर को, और उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी ये। रीजन बीइंग कि कोई बड़ा क्रिएटर फिर वो ओवरलैप करके क्लेम नहीं कर पाएगा। एंड इफ यू गाइस थिंक आई एम रॉन्ग देन प्लीज कोट मी ऑन दिस, बट मेरे को नहीं लगता मैं गलत हूँ अपना एक तरह से क्रेडिट मांगने में, कहीं भी मैं गलती कर रहा हूँ मेरे को तो नहीं लगता, बिकॉज ये मेरा हक का है यार, मैंने मेहनत करी है इसके पीछे, अब मेहनत करी तो मैं डिजर्व भी करता हूँ क्रेडिट पूरा पूरा। दैट्स इट, यही है मेरी क्रेडिट की लड़ाई है बस, और कुछ नहीं है, लड़ाई भी नहीं है यार, इट्स जस्ट नॉर्मल आस्क है बस। ये जल्दी से जल्दी इसका विड्रॉल हो, सोल्यूशन निकले, एंड आई विल बी रियली हैप्पी। मैं तो भाई ये बोलूंगा मेरे से जितना हो पाएगा अपना क्रेडिट मांगने के उसमें, मैं मांग लूंगा अपना रिकॉग्नाइजेशन मांगने के उसमें मेरे से जितना हो पाएगा, चाहे मेरे को डेली स्टोरीज लगानी पड़े या डेली कुछ करना पड़े मैं करूंगा, ठीक है। मैं अपना एक रिकॉग्नाइजेशन लूंगा बस, जब तक मेरे बस में है, जब तक मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूंगा, नहीं मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, बट मैं मेरी साइड से जितना हो पाएगा मैं कर दूंगा भाई अपने रिकॉग्नाइजेशन के लिए। मैंने स्टोरी भी डाल दी टैगिंग नियॉन मैन, न्यूज बॉय, यूट्यूब इंडिया, यूट्यूब का इंटरनेशनल पेज एंड यूट्यूब क्रिएटर्स इंडिया को टैग करके मैंने स्टोरी तो डाली। नाउ लेट्स वेट एंड वॉच की कुछ होता है कि नहीं। हम ये पता नहीं क्यों आया, लेकिन आया नोएडा का ये एक पार्क है, वेदवन पार्क, नया नया कुछ बना था, क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री मेरे को नहीं। अबे इधर आजा तू, आजा वो उसको रहने दे, तू आजा तू इधर, कल तू आ चुका है कुत्ते को काटते हुए। इधर आए वेदवन पार्क है, इधर मतलब खुला था बहुत बढ़िया पार्क। अब इसकी हिस्ट्री क्या है मेरे को नहीं पता, ये ऐसे बनाया था किन्हीं चीजों के ऊपर, भगवान के ऊपर बेस बनाया था, हाँ करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जाके वो डिस्कवर करते हैं बात। तो नोएडा में पहला ऐसा पार्क है जहाँ टिकट लग रही है, वाओ नाइस मेंटेनेंस, लेकिन होगी नहीं। कह रहा फाड़ी क्यों है टिकट, पागल कह रहा टिकट की फाड़, पीछे हो जा तू भाई। नाइस पार्क यार, जिम का बंदोबस्त भी है, अंगद पुलअप मार के दिखाएंगे, मारो अंगद। अरे क्या कर रहा है अनंत, इंप्रेस हो जाएगी अगर तूने 3 पुलअप मार दी तो, एक भी नहीं, जा इंप्रेस नहीं हो रही वो। 14 मिलियन तेरे ऊपर थूकते हुए, बढ़िया जिम भी बना रखा है। नाइस 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 नाइस, वेरी गुड। अरे नाना कर कर, अरे कर कर, देख शर्मा गया कर भाई, 14 मिलियन की भाई डाउनफॉल हो गया। अरे चलो ना, एक बच्चा था ये कर रहा था क्लाइंब, मैंने करा, मेरे को देख के उसने करा, बेचारे का डाउनफॉल हो गया पहले डंडे पे, नीचे गिर के गिरा वो सामने जो बैठा लाल रंग में, गलत हो गया भाई ये तो थोड़ा। ये भाई बहुत ही प्यारा फाउंटेन यहाँ पे जो बन रखा है, नाइस nice. अच्छा था फाउंटेन अभी उस साइड भी, लेकिन उस साइड हम जाने रहे कि ठंड बहुत हो रही है, बड़ी फाउंटेन है पूरा, और ये पूरा एम्पी थिएटर टाइप है सिटिंग के लिए, बढ़िया सा जो बन रखा है यार। एक्चुअली मैं और गरुज भी मतलब नॉर्मली एक बार को शूट करने के लिए आ सकते हैं यहाँ पे, बुरी लोकेशन नहीं है। कुछ नहीं भाई, साइरस को चार्जिंग पे लगाया था कल रात को, तो अब निकालने आए हैं चार्जिंग से भाई को अपने, निकाल तो दिया ही है, बस रीस्टार्ट कर रहा था एक बार, चार्जिंग का रीस्टार्ट करना जरूरी होता है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। अब इसको निकालते हैं और घूमते, ज्यादा नहीं घूमूंगा मैं स्कूटी पे, ठंड हो रही है बहुत ज्यादा, और मैं इतना कवर अप होकर नहीं सोसाइटी के अंदर ही रहूंगा, बाकी देखते हैं, मन करा तो बाहर भी निकल जाएंगे, अपने मूड को क्या पता यार, मूड के ऊपर होता, मूड करेगा चले जाएंगे, नहीं करेगा घर यही अंदर रहेंगे सोसाइटी में, और क्या। यह आदमी की मौत होने वाली है बहुत जल्द, यह आदमी और ये उसकी बहन है। अच्छा तू, हाँ क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था, इधर आइयो, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, देख डर गया ना, डरपोक बेड़ा मत कर मेरे से, तू जानता नहीं मेरे पीछे किसका हाथ है। सॉरी भैया, कान पकड़ के बोल, सॉरी भैया, हाथ जोड़, नो पैर छू, नो पैर छू, मेरा छोटा भाई है। कुछ कह रहे थे आप, सुनो तो सुनो तो, नहीं मैं नहीं सुनूंगा, अब बोलो अब बोलो। हाँ भाई क्या, अरे स्कूटी पे घूम के आते, नहीं भाई, अरे चल स्कूटी पे, स्कूटी घर ले, अरे मैं इसको टावर 6 तक छोड़ दूंगा, तेरे से पहले पहुंच जाएगा ये टावर 6, मेरी गारंटी। अरे नो थैंक यू, दैट फ्रॉम सरोजनी ब्रो, ओह सरोजनी, एडवांस ब्रो एडवांस, ओह चीप शिट चीप शिट, चलो बाय। भाई ऐसे ही वॉक कर रहे थे, अब स्कूटी पे घूमते हैं थोड़ी देर और क्या। अरे बोरा चिब्बर बोरा,
शेर वो रहा, शेर शेर वो रहा हमारा, वो आ रहा है, रुको वो आ गया शेर। शेर जल्दी आ जल्दी। शेर शेर भाई आ गए, शेर भाई आ गए, शेर भाई। ओह भाई शेर भाई मुंह से धुआं निकल रहा है, लोग तो आ रहे थे। अरे वो लोग वो रहे, वो देख घूमे जा रहे, देव उधर है, वो तेरा भाई उधर है, और भी लोग पता नहीं कहाँ कहाँ है। तेरी बहन घर गई, एक बहन ये रही। एवरीबॉडी तितर बितर टुडे, वेयर एवरीबॉडी, वेयर योर फ्रेंड, एवरीबॉडी है। पजामा तो मेरा भी काला है, तेरा कुत्ता भी काला है। तेरा भाई फालतू बोल रहा था, कह रहा चैतन्य को बता दूंगा, चैतन्य तुझे बता देगा। नो ब्रो, बीप 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 फाड़ दूंगा, बीप बीप। तीता भाई के साथ तो तुमने धोता कर दी, मुझे तो सही में चीता लगता है। भाई लड़कियों से अबे चीता भाई शेर पागल हो गए कदम से जोश भाई, ये पागल हो गए, मैं ना जानता इन्हें भाई टाइम भाई 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 चल लो भाई मत करो भाई मत करो यार मत जोश भाई मैं ना जानता इन्हें पागल ही हो रहे हैं तो पूरे पूरे कंप्लेंट कराएंगे सोसाइटी में जान भी मानो यार भाई जोश ये जोश भाई गलत गलत मैटर भाई, मैं तो स्कूटी लेने आया था, ये नहीं हो रहा। 10 बजे 10:30 हम ये कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं सोसाइटी में। तेरे को पता कैसी बात, 3 दिन से सोया नहीं पा रहा था, घर पे जगह थी नहीं, उस दिन तेरे भी आ गए। सबसे पहले आपको एक क्लिप दिखी होगी, उसमें ये सीन है, मैंने सर्च भी करके दिखा दिया भाई, गूगल तक पे कोई नहीं है। जो लोग मेरे को मैसेज कर रहे भाई सौरभ जोशी भाई ने ले, भाई सौरभ जोशी भैया ने नहीं करा, ठीक है वो कर सकते हैं, क्योंकि डेली चल रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने 900 डेली व्लॉग्स नहीं करे, और उनके 900 से पहले मेरे 1000 हो जाएंगे, इतना मैं श्योर हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं रिकॉर्ड कर दूंगा भाई, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन बाई टच वुड होप फॉर द बेस्ट है, अपने को रिकॉग्नाइजेशन मिले जो हम डिजर्व करते हैं, जिसके लिए हम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने रीजन बता दिया है, एक ही रीजन है, क्योंकि भाई मैंने मेहनत भी करी है, ठीक है मेहनत लगती है इस चीज में, तो थोड़ी सी रिकॉग्नाइजेशन में डिजर्व करता हूं, बस इतना कि अगर गूगल पे मैं लिखूं तो मेरा नाम आ जाए, बस इतना चाहिए मेरे को, दैट्स इट। अब मैं देखता हूं, मैं पापा से बात करता हूं, अब मैं एक आधा आर्टिकल छपाने की सोच रहा हूं कि आर्टिकल छपवा देता हूं कि मैंने इतना डेली लॉग्स कंप्लीट करे। नाउ लेट्स सी ब्रो, व्हाटएवर इट टेक्स, I'll try my best to get my recognition. It's not a fight, it's not a war, it's nothing. It's just I just want that recognition because I deserve it and you guys know it. ठीक है आप लोगों ने देखा है मेरे को, started from the bottom now we here, zero से देखा है आपने. So you know I deserve that recognition for which I'm asking for. That's it. एक बात किसी ने तो सच ही कही है, जब तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा था ना तब सारी चीजें खराब हो रही होती हैं। अभी इस चीज़ एक बुरा वक्त भी चल रहा है, चीजें भी खराब हो रही हैं, और अभी एक और नुकसान हो गया, ये वायर निकल गई ब्रेसेस की। खा रहा था पिज्जा, खा रहा था एकदम से अटक के, क्योंकि पिज्जा की स्लाइस में अटक गई और मैंने फिर खींची उसे, तर करके निकल गई पूरी वायर। अब कल जाना पड़ेगा दिखाने, बड़ा अजीब सा लग रहा है बिना वायर के ब्रेसेस। भाई वैसे चुप नहीं रहते वायर की वजह से, अब चुप रहे, अब फील हो रहा है कि ब्रेसेस है, वरना तो पता नहीं चलता। एंड कल जाऊंगा शायद, अगर ब्रेसेस लगवाने तो नीचे भी लगवा दूंगा। वेल आज का व्लॉग यहीं पर करता है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेस व्लॉग, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना अगर मन करे तो। दिस वी बॉय के वन साइनिंग ऑफ, एंड कल का व्लॉग बहुत ही बड़े व्लॉग के साथ, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वन।